संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट ने सदस्यता अभियान को गति देने के लिए इंद्री पहुंचकर तीनों मंडलों के कार्यकर्ताओं को संगठन पर्व के तहत करीब 1,00,000 सदस्य बनाने का आह्वान किया। इसके लिए 3 दिन का विशेष सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। इंद्री के दीवान पैलेस में संगठन पर्व कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री करणदेव कांबोज ने की और मुख्य अतिथि का अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर स्वागत करते हुए सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करने का आश्वासन दिया। पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम से पहले तीनों मंडलों की अलग अलग बैठक में मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री और शक्ति केंद्र प्रमुख और पालकों को संगठन की मजबूती के टिप्स दिए। लोकसभा चुनावों में पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने वाले बूथ अध्यक्षों व पन्ना प्रमुखों का अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो बूथ हारे हैं उन पर विधानसभा चुनावों में कैसे जीत दर्ज करनी है, इसके लिए अभी से रणनीति तैयार करनी है। इसके साथ ही जीते हुए बूथों की भी ग्रेडेशन करनी है, उन्हें और बेहतर बनाने की योजना तैयार करनी है। उन्होंने कहा कि जितने मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया है उन सभी मतदाताओं को भाजपा का सदस्य बनाने की योजना बनानी है, क्योंकि ये लोग पहले से ही भाजपा की विचारधारा को पसंद करते हैं। मंत्री करणदेव कांबोज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो प्रचंड जीत भाजपा को लोकसभा चुनावों में मिली है उससे बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में हासिल हो सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से कमर कस ली है। संगठन की ओर से सदस्यता का जो लक्ष्य दिया गया है उसे निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 18 अगस्त से प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की जाएगी जो पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। जनता से जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर ही चुनावी संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। यात्रा समाप्ति के पश्चात प्रदेश में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा जिसके प्रदेश के लाखों पन्ना प्रमुख भाग लेंगे। हमारा इंद्री मंडल और गढ़ी बीरबल मंडल का संगठन पर्व जो पूरे भारत के अंदर 6 जुलाई से शुरू हुआ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन से, आज ये हमारा इंद्री का सौभाग्य है कि इस अभियान को तेज करने के लिए, इस अभियान को गति देने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने के, किस प्रकार ज़्यादा सदस्य बनाने हैं उसके टिप्स जो है हम सब कार्यकर्ताओं को दिए, और साथ में हमारे प्रदेश के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी वेदपाल एडवोकेट जी, तो सभी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को आज मार्गदर्शन किया। अब की बार जो हमें हरियाणा के अंदर एक प्रचंड जो जीत 10 की 10 लोकसभा पर कमल के फूल खिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में दिए हैं, तो आज हमारे पास एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। दूसरी पार्टियों से बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने वहाँ रह करके उन पार्टियों के लिए बहुत काम किया, दिन रात मेहनत की है, आज वो लोग भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को जो है ना बढ़ाने के लिए हमारा जो ये सदस्यता अभियान है ये शुरू हो रहा है पूरे देश के अंदर। तो आज हमारा इंद्री का जो पर्व है इसको गति देने के लिए आज हमारे नेता यहाँ हमारे बीच में है और कार्यकर्ताओं को जो है ना टिप्स दिए, और हमने 3 दिन का जो तिथियाँ जो है ना तय की है 20, 21 और 22 जुलाई, 3 दिन हमारे सभी कार्यकर्ता हमारी विधानसभा के और सभी हमारे जो है ना पदाधिकारी सब मिलकर के जो है वो ये सदस्यता अभियान चलाएंगे, और जितनी पिछली बार हमारी सदस्यता थी उस सदस्य को हम इसकी बार कोशिश करेंगे कि वो डबल से भी ज़्यादा हो। हमने ये रखा कि अब की बार हमने लगभग 1,00,000 लोगों ने हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि अब की बार जो हमारा ये सदस्यता अभियान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उन सबको हम पार्टी के कार्यकर्ता बनाएं, पार्टी के सदस्य बनाएं, तो हमारा लक्ष्य ये है। हम सब लोगों के पास जाएंगे, घर घर जाएंगे और सबसे आग्रह करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मान करके, अपना संगठन मान करके भारतीय जनता पार्टी का जन संगठन को और मजबूत करें। तो इस प्रकार की योजना हमारी इंद्री विधानसभा की, और इंद्री विधानसभा में निश्चित रूप में जो जो हम टारगेट रखा है वो टारगेट हम अचीव करेंगे। देखिए, अभी आने वाले समय में बहुत ऐसे कार्यक्रम हैं, एक जन आशीर्वाद यात्रा आदरणीय मुख्यमंत्री जी 18 अगस्त से जो है ना निकालने वाले हैं और उसको सितंबर में उसका समापन होगा,
पूरे 90 के 90 विधानसभाओं में यात्रा जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन में 5 से 6 विधानसभा कवर करेंगे। सभी विधानसभाओं में भव्य स्वागत जो है ना उस यात्रा का होगा और एक माहौल पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि आने वाले इसमें अक्टूबर में हमारे चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, तो उसके लिए एक माहौल तैयार करने के लिए इस प्रकार की यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर जो है ना निकाली जा रही है। और उसके बाद जो जब भी ये यात्रा समापन होगी 8 सितंबर को हो या 10 सितंबर को हो, तो उस समापन पर एक बड़ा कार्यक्रम जितने भी हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे बीएलएट हुए हैं, उन सबका एक जगह इकट्ठे करके लगभग ये मान लीजिए आपकी 19,296 बूथ हमारे हरियाणा के अंदर हैं, और अगर हम एवरेज लगाएं कि 15 की जो है संख्या हमारी पन्ना प्रमुख की है, तो ये संख्या लगभग 3.5 लाख के करीब बढ़ती है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को उन कार्यक्रम में ले जा करके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है ना हरियाणा प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ जो है ना विधानसभा के चुनाव में अपना जो है ना सहयोग करेंगे। अभी इसका यात्रा का स्थान नहीं डिसाइड हुआ, अभी वेन्यू डिसाइड होना है और तारीख भी जो है ना तिथि भी अभी इसकी तय नहीं हुई है। इसमें माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया जाएगा कि वो स्वयं जो है ना इस कार्यक्रम में आए, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं का जो है ना हौसला बढ़ सके। विधानसभा में भी इसी प्रकार से, क्योंकि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष के जितने भी कार्यकर्ता है वो चुनाव से भाग रहे हैं। आपने सुना होगा अशोक तंवर ने कहा कि अब की बार जो है ना नए लोगों को जो है ना मौका दिया जाएगा, यानी कि जो लोग आज तक लड़ते रहे वो लोग क्यों नहीं मैदान में आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज हरियाणा प्रदेश की जनता का जो मूड है वो भांप लिया है, इसलिए वो चुनाव से भागना चाहते हैं, चुनाव से बचना चाहते हैं कि हमारी फजीहत होगी आने वाले चुनाव में, इसलिए वो चुनाव से भाग रहे हैं। तो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो आम व्यक्ति के दिल में एक जगह बनाई है, आज पूरा हरियाणा इस बात को कह रहा है कि इतनी अच्छी इतनी ईमानदार सरकार हमने आज तक कभी नहीं देखी, कि ओन मेरिट जिस प्रकार से बच्चों को रोजगार दिया गया, 65,000 से ज़्यादा बच्चे हमने नौकरी पर लगाए हैं, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। और मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस आधार पर जो पूरे हरियाणा का जो समुचित विकास करवाया है, तो उसके लिए जो है ना आम व्यक्ति के दिल में जो है ना एक जगह बनी है, सरकार के प्रति जो है ना एक ऐसा आदर भाव बना है, तो हर व्यक्ति जो है ना भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है।